Hi, hello, namaste friends, welcome to Usharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you how to make mutton biryani. जी हाँ, आज हम बनाएंगे बकरा का बिरयानी. ये बहुत स्वादिष्ट एंड ईजी आल्सो फटाफट बन जाएगा. इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चावल लिया है और एक किलो बकरा का मीट लिया और इधर बिरयानी मसाला दो बड़े चम्मच और सूखी मिर्च और लौंग काली मिर्च हल्दी एक टीस्पून जीरा और हरी मिर्च अदरक काजू एक आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लहसुन स्वाद अनुसार नमक और वो हरी ऑनियन है ना उसको कट करके रखा हुआ जो हरी कलर की पत्ता होती है उसको थोड़ा से कट करके रखा हुआ लास्ट में डालने के लिए. इधर ऑनियन मीडियम साइज की दो मीडियम साइज के ऑनियन लिया दो मीडियम साइज के टमाटर लिया है. अभी इधर बताती हूँ ये है ना चावल आधा किलो लिया इसमें पानी में जैसा बॉईल करने के पहले पानी में डालकर रखना है. ये कम्प्लीटली चावल से बदल कर जैसा वाइट बन जाएगा फिर हम इसको आधा उबाल कर निकालेंगे. आधा किलो का एक किलो बकरा ये जब भी बनकर तैयार हो जाएगा तभी ये भी आधा किलो हो जाएगा आधा का आधा बराबर हो जाएगा. सो अभी हम शुरू करते हैं कैसा बनाना है मटन बिरयानी. सबसे पहले एक कढ़ाई रखा है हमने गैस में इसमें दो बड़े चम्मच तेल डाल रहे हैं. ये ऑलिव ऑयल है आपके पास है डाल दीजिए या नहीं तो नॉर्मल तेल चलेगा. सबसे पहले हम काजू को इसी तेल में लाइट सा फ्राई कर निकालेंगे फिर बाकी मसाला डाल देंगे. इस तरह ब्राउन कलर की फ्राई कर निकाल दिया अभी उसी तेल में तड़का शुरू कर देंगे. सबसे पहले लौंग डालते हैं इलायची डालते हैं ब्राउन हो चुका है अभी इसी में बाकी मसाला डाल देंगे. अभी इसको ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे. बाकी अदरक गार्लिक हरी मिर्च सारा डालकर अभी इसमें हमारा हमें ऑनियन डालेंगे. ऑनियन आधा ब्राउन आने के बाद टमाटर डालेंगे. ऑनियन हमारा तेल मसाले के साथ सूखे मसाले के साथ मिक्स होकर अच्छी तरह कुक होना है ब्राउन आ जाएंगे तो फिर हम टमाटर डाल देंगे. हाँ जी देखिए अभी हमारा ऑनियन ब्राउन हो चुका है उसमें टमाटर डाल रहे हम. ये देखिए ऐसा ब्राउन होना चाहिए. अभी वो ऑनियन लीव्स डाल रहे अभी काजू भी इसी में ही डाल दिया मसाला के साथ मिक्स होकर कुक होएगा ना खाने में अच्छे टेस्ट लगेगा. अभी इसको पकने तक पककर तेल निकालने तक इसको पकाएंगे. ऑनियन कुक होकर इस तरह बन गया है. मैं ज़्यादा तेल नहीं डाला क्योंकि हमारा बकरा का मीट में भी तेल होगा ना जब भी वो कुक करेंगे फिर बराबर हो जाएगा. इस तरह हो गया अभी इसमें सूखा मसाला डाल देंगे बिरयानी मसाला और लाल मिर्च पाउडर हल्दी डालकर अभी इसको मिक्स करेंगे. अभी हमारा मसाला डालकर 5 मिनट हो गया इसी में ही बकरा का मीट डाल देंगे. अभी अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर स्लो फायर में रखकर ढक्कन बंद करेंगे फिर कुक होकर इसमें तेल निकलेगा. मीट के साथ बकरा को मिक्स कर दिया अभी इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए. अभी हम इसमें आधा ही डालेंगे क्योंकि आधा चावल में डालकर आप कुक करेंगे. इस तरह उबला हुआ पानी लेके हमारा मीट में डाल देंगे आधा ग्लास क्यों वो बकरा पकना है ना. देखिए आधा ग्लास गरम पानी डालेंगे अभी डाल के ठंडा पानी नहीं डालना गरम पानी डाल के इसको मिक्स करके इसको ऐसे पकने देंगे. अभी स्लो फायर में कुक होने देंगे.
पानी में चावल डालकर रखा है ना, इस तरह पानी में इस तरह हो जाता है। उसके बाद इसको निकाल कर जैसे 10-12 मिनट पानी में डालकर रखते हैं, उसके बाद हमारा पानी इधर उबल रहा है, इसी में डाल देंगे इसको। ऐसे एक बॉईल करके इसको निकालेंगे, ऐसे नमक डाल देंगे, है ना। सीधा वो बिरयानी में भी डाल सकते हैं, पर इसमें थोड़ा से ऐसे एक बॉईल करके डालेंगे ना, फिर और अच्छे बनेगा, दाना लंबा लंबा बनकर आएगा, इसलिए इसको एक उबाल करके फिल्टर कर देंगे। फिर हमारा मटन कुक होकर तैयार होने के बाद उसी में इसको डालकर फिर दम में डालेंगे। देखिए इस तरह एक उबाल आ चुका है। अभी इसको देखिए, अच्छी तरह पका नहीं है, 25% पका है, बाकी 75% उसी में कुक होगा हमारा बिरयानी मसाला में। अभी इसको गैस बंद कर देंगे। देखिए चावल का हम इस तरह, देखिए इस तरह हमने निकाला है, अच्छी तरह कुक नहीं हुआ, थोड़ा सा ही ऐसे गरम उबला हुआ गरम पानी में डाला, फिल्टर कर दिया। अभी हमारा मटन इधर कुक हो रहा है, ये अच्छी तरह पानी सारा खत्म होकर कुकर होकर रेडी होने के बाद इसमें तेल निकल आएगा, उसके बाद हम चावल डालकर मिक्स करेंगे। अभी इसको कुक होने देंगे। हमारा मटन बनकर तैयार हो चुका है, देखिए अभी तेल निकल कर ऊपर आ गया ना। अभी इसमें जो पहले से हमने फिल्टर कर कर रखा है, ये चावल का डालेंगे, देखिए ये चावल का डालकर फिर दम में डालेंगे। ये चावल डाल दिया, अभी इसको मिक्स करके फिर अभी ऐसे ही इसको डाल के, अभी मिक्स नहीं करना, ऐसे बंद करके 10-15 मिनट ऐसे रखेंगे, उसके बाद रेडी होने के बाद फिर मिक्स करेंगे। ऐसे एक कपड़ा लेके ढक्कन को ऊपर लगाकर वो उसको मैंने पानी में डालकर भिगो कर वो टावल को फिर ढक्कन में लगाकर ऐसे लगा रही थी, 15 मिनट इसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। बिरयानी 10 मिनट के बाद अभी खोल कर देखेंगे क्या ऐसा बना। अभी हम इसको मिक्स करेंगे, देखिए इसको ऊपर नीचे करेंगे धीरे धीरे, जैसा चावल तुड़ाई ना हो, बहुत अच्छे सही बना। देखिए हमारा बिरयानी तैयार हो चुका है, मिक्स होकर मैं इसमें एक प्लेट में डाला है, देखिए इस तरह बन गया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा पुदीना डाल देंगे, पुदीना हो, धनिया हो, करी लीव्स हो, आप डाल सकते हो। और आप बनाकर देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।